चलेगा बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि बहुत सारे बच्चों के बीच में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, सर क्या कंटिन्यू करोगे, क्या कंटिन्यू करोगे, तो आज मैंने फिर पार्ट टू जो फैक्ट सीरीज का था वो मैंने तैयार किया, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है। क्योंकि यार वो इसलिए भी तैयार कर रहा हूँ ना, कुछ फैक्ट सीरीज मैं सोच रहा हूँ 8-10 दे दूँ, क्या पता आपकी लाइफ सेटल हो जाए, है ना। क्योंकि उस फैक्ट सीरीज से एक आध क्वेश्चन आपका लेवल बन चुका है, एक आध क्वेश्चन इधर से उधर आ गए और आपका दिन बन गया, तो मे बी मेरे लिए उससे बेस्ट नहीं होगा, है ना। तो फैक्ट सीरीज टू तैयार करते हैं यार, मतलब हतोत्साहित मत होना, कल दूसरा या जैसा भी होगा, एक दिन फैक्ट सीरीज, एक दिन हिंदी का, एक दिन फैक्ट सीरीज, एक दिन जीएस का, एक दिन फैक्ट सीरीज, एक दिन अगला करा दूंगा, ठीक है। तो ये फैक्ट सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो मुझे लगता है मेरी नज़रिए से, अगर मुझसे पूछोगे कि सर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो मैं कहूँगा कि ये फैक्ट सीरीज, क्योंकि इसमें ओवरऑल जितनी भी बुकें हैं उन सब से कंटेंट तैयार करते हुए बेस्ट कंटेंट मैं दे रहा हूँ कि यार आपको अगर ये क्वेश्चन आ गए तो आपका दिन बन जाए, ठीक है। सबसे पहला देखिएगा फैक्ट सीरीज का क्वेश्चन है मौलाराम का, ठीक है। मौलाराम देखिएगा, मौलाराम जो होता है वो जयकृत सा ललित सा व सुदर्शन सा, ठीक है, व सुदर्शन सा, मोस्ट ऑफ इन जो है तीन राजाओं के दरबार में रहता है, इन्हें संरक्षण दिया रहता है। और इसमें भी सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछेगा एग्जामिनर की सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन या मौलाराम को सबसे ज्यादा प्रोत्साहन किसने दिया था, वो जयकृत शाह था, ठीक है। मौलाराम का जयकृत शाह ने सबसे ज्यादा प्रोत्साहन दिया था, याद रखिएगा, ललित शाह है, ठीक हो गया, ठीक है। इसके कुछ देखिएगा, मौलाराम के चित्रों की कुछ खास बातें हैं, याद रखिएगा, ये पूछ सकता है। इसके चित्रों में ना, इसके विवरण में ना, समय का सबसे मेन समय का उल्लेख होता था इसके चित्रों में, समय और नाम का उल्लेख, ठीक है, समय व नाम का, इसके जो चित्र थे उस पे उल्लेख होता था समय व नामों का। तो क्वेश्चन आएगा कि गढ़वाल का वो कौन सा चित्रकार था जिसके चित्रों में समय व नाम का उल्लेख होता था, तो मौलाराम का। सबसे ज्यादा प्रोत्साहन किसने दिया, जयकृत शाह ने, ठीक है। ये फैक्ट सीरीज है, तो इसके कुछ बुके लिख लीजिएगा, मोर पिया नायिका, इसके कुछ चित्र लिखेगा मोर पिया नायिका हो गई, ठीक है। और राधा कृष्ण मयूर मुखी गोपी, ये उसके कुछ प्रमुख चित्र है, गोपी, मयूर मुखी, राधा चित्र, मोरपिया नायिका, ठीक है। इसका एक चित्र है जिसका नाम है दंपति, आपको पता होगा, ये जो है इसने राजा सुदर्शन प्रद्युमन शाह उसकी पत्नी पर लिखा है दंपति, याद रखिएगा, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट है मौलाराम, याद रखिएगा, इसका मैंने आपको ये बता दिया है फैक्ट सीरीज में, फैक्ट सीरीज काफी इंपोर्टेंट चलने वाली है, आप बिल्कुल भी टेंशन ना ले, ठीक है। देखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत तिब्बत व्यापार, ठीक है, उत्तराखंड के नजरिए से भारत तिब्बत व्यापार कब अपने पीक लेवल पे था, सर्वाधिक मतलब व्यापार कब होता था, तो ब्रिटिश काल में, याद रखिएगा, जब उत्तराखंड में आए ब्रिटिश काल में, तो ब्रिटिश काल के दौरान भारत तिब्बत जो व्यापार था वो सर्वाधिक होता था, सबसे पीक लेवल पे था, ठीक है, लिख लीजिएगा, सर्वाधिक वृद्धि हुई। क्वेश्चन है, मैंने बार बार बचा चुका हूं, कुमाऊं आयरन एंड वर्कर्स लिमिटेड कंपनी, ठीक है, लिमिटेड कंपनी की स्थापना पूछेगा, तो 1862 1862 बार बार बता चुका हूं, लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिएगा बच्चों, जब 1921 के आसपास में कुली बेगारी, याद रखिएगा, पूरे उत्तराखंड में बंद हो गई कुली बेगारी, ठीक है, कुली बेगारी जो थी 13-14 जनवरी जो आपका सरयू और कोसी के संगम पे 1921 में लगभग पूर्णतः पूरे उत्तराखंड में प्रतिबंधित हो गई थी, लेकिन कुली बेगारी जो है टिहरी रियासत में चलती रही, याद रखिएगा, टिहरी रियासत में ये चलती रही, टिहरी रियासत का कॉन्सेप्ट रखिएगा। क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से उत्तराखंड में जब कुली बेगारी आंदोलन चला तो कहां पे ये चलती रही टिहरी रियासत, ऑप्शन तीन कुछ और भी हो सकते हैं, तो याद रखिएगा टिहरी रियासत में ये जो है देन कंटिन्यू ये कंटेंट चलता रहा, ठीक है, टिहरी रियासत में चलती रही, ये याद रखिएगा, टिहरी रियासत ऐसी रियासत है जहां पे चलती रही। देखिएगा टिहरी रियासत को 1937 में
पंजाब हिल स्टेशन स्टेट सॉरी पंजाब हिल स्टेट के अधीन कर दिया था, ठीक है। टिहरी रियासत को 1937 में पंजाब हिल स्टेशन के अधीन कर दिया था, याद रखेगा। देन आपका कत्यूरी काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई पूछेगा, कत्यूरी काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई अगर एग्जामिनर ने आपसे पूछ दिया तो आप बेसंकोच ग्राम मार के आइएगा, ठीक है। कत्यूरी काल में लिखेगा कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो थी ग्राम थी, और टिहरी रियासत 1937 में पंजाब हिल स्टेशन के साथ जो है मिला दिया गया था, ठीक है। अगला याद रखिएगा, बड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, शिवालिक का जो दक्षिणी भाग है, समझ में ना, शिवालिक पर्वत का जो दक्षिणी भाग है, ये याद रखिएगा, शिवालिक पर्वत का दक्षिणी भाग उत्तराखंड का हृदय स्थल कहलाता है। शिवालिक का दक्षिणी भाग उत्तराखंड का हृदय स्थल कहलाता है। हृदय स्थल कह रहा था आर्थिक दृष्टि से, याद रखेगा, खनिज अन्य चीजों की दृष्टि से, ठीक है, आर्थिक दृष्टि से क्वेश्चन देखा जाता है। तो उत्तराखंड का जो शिवालिक का दक्षिणी भाग का क्षेत्र है वो उत्तराखंड का हृदय स्थल कहा जाता है आर्थिक रूप से, और यहाँ पे क्या मिलेगा, खनिज चीजें ही तो मिलेंगी, है ना। तो इस दृष्टि से इसे क्या बोला जाता है, उत्तराखंड का हृदय स्थल बोला जाता है, याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। एक है गराऊ जलप्रपात कहाँ है, आपसे पूछेगा कि गराऊ जलप्रपात कहाँ है, ठीक है, गराऊ जलप्रपात कहाँ है, तो सीधे एग्जामिनर को बता देना कि बेरीनाग में है, और बेरीनाग जो है वो पिथौरागढ़ जिले में पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे प्रसिद्ध नाग मंदिर है, याद रखेगा। और 2002 से आपसे पूछे कि कब से उत्तराखंड चाय नाम जो है, उत्तराखंड चाय का उत्पादन शुरू हुआ, उत्तराखंड चाय के नाम से उत्पादन शुरू हुआ, तो 2002 उत्तराखंड उत्तरांचल उस टाइम पे उत्तरांचल था, उत्तरांचल चाय के नाम से उत्पादन हुआ, उत्तरांचल चाय के नाम से उत्पादन शुरू हुआ उत्तराखंड चाय का कब, 2002 से, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिएगा राज्य को कृषि क्षेत्र में 2018 में जैविक, ठीक है, कृषि क्षेत्र में 2018 में याद रखिएगा जैविक इंडिया अवार्ड मिला है, जैविक इंडिया अवार्ड मिला है, काफी इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तराखंड को कृषि क्षेत्र में योगदान के लिए कब जैविक इंडिया अवार्ड मिला, तो 2018 में, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 2002 में उत्तराखंड चाय नाम से उत्पादन हुआ, और गराव जलप्रपात आपका जो है बेरीनाग पिथौरागढ़ में है, ठीक है। एक प्रोजेक्ट चलता है उत्तराखंड में, दीप प्रोजेक्ट, ठीक है, बीआरओ द्वारा चलाया जाता है, सड़क सीमा संगठन द्वारा। तो ये जो दीप पर जो प्रोजेक्ट है उत्तराखंड में, इसका जो संबंध है सड़क निर्माण से है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया नहीं है लेकिन पूछ सकता है UKSSC कि दीप प्रोजेक्ट का संबंध उत्तराखंड में किससे है, तो दीप प्रोजेक्ट का संबंध उत्तराखंड में सड़क निर्माण से। एक और है आपके पिथौरागढ़ के दीप जोशी, याद रखेगा। उत्तराखंड का प्रथम रेमन मैक्सेस तो चंडी प्रसाद भट्ट को 1982 में मिला था, उत्तराखंड का दूसरा रेमन मैक्सेस दीप चंद जोशी को, ठीक है, पिथौरागढ़ जिले से थे जी, दीप चंद जोशी को 2009 में मिला था, दीप प्रोजेक्ट से दीप चंद जोशी का नाम आ गया, और 1982 में पहला मिला था चंदी प्रसाद भट्ट को, है ना, फिलीपींस की राष्ट्रपति के उसमें दिया जाता है, याद रखिएगा, एशिया का नोबल कहते हैं। देखिएगा बच्चों, 1911 से ये क्वेश्चन आ सकता है, 1911 से 1917 के मध्य उत्तराखंड में जंगलात बंदोबस्त किसने किया, ठीक है, उत्तराखंड में जंगलात बंदोबस्त काफी इंपोर्टेंट है ना, जंगलात बंदोबस्त किसने किया, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1911 से 1917 के मध्य उत्तराखंड में जंगलात जो है बंदोबस्त किसने किया, लिखेगा स्टाइफ और नेल्सन दो व्यक्ति थे, जिन्होंने उत्तराखंड में 1911 से लेके 1917 तक जो है उत्तराखंड जंगलात बंदोबस्त किया, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन करके लिख लीजिएगा, ठीक है। जंगलात विभाग बनाने के लिए सबसे सर्वप्रथम प्रयास, याद रखिएगा, उत्तराखंड में जंगलात विभाग बनाने का सबसे पहला प्रयास 1828 में ट्रेल ने किया था, लिख लीजिएगा, ठीक है। उत्तराखंड में सबसे पहले जंगलात विभाग बनाने का जो प्रयास किया था वो 1828 में ट्रेल ने किया था, और 1911 से 1917 के बीच में उत्तराखंड में जो जंगलात बंदोबस्त किया था वो स्टाइफ और नेल्सन, ये भूमि बंदोबस्त नहीं है, याद रखेगा, ये जंगलात बंदोबस्त अलग है, याद रखेगा, इसको भूमि बंदोबस्त से बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये अलग है, लिखेगा उसका कौन सा।
ठीक है। लॉर्ड वैलेज अली जब था तो इसने 1802 में, एक व्यक्ति था गॉट महोदय, ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है। तो 1802 में सबसे पहले ब्रिटिश जो गवर्नर था, 1802 में लॉर्ड वैलेज अली, इसने गॉट महोदय को कुमाऊं की जलवायु समझ में ना, कुमाऊं की जलवायु हो गया, ठीक है, और जंगल की कंडीशन या परिस्थितियों का संकलन करने भेजा, याद रखेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि लॉर्ड वैलेज अली ने गॉट महोदय को कब कुमाऊं की जलवायु व जंगल का संकलन करने भेजा, तो 1802 क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, याद रखेगा, कोई भी एंगल हो सकता है क्वेश्चन बनाने का एग्जामिनर का, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा ये क्वेश्चन सारे। याद रखिएगा 12 अगस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 12 अगस्त 1948 को टिहरी रियासत में वयस्क मताधिकार के आधार पर टिहरी विधानसभा के चुनाव हुए, और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो प्रजामंडल सुमन, सरदेव सुमन ने बनाया था, तो उस प्रजामंडल ने, याद रखेगा, 1939 में बनाया था, और गणदेश सेवा संघ 1938 का है, ठीक है, जो प्रजामंडल बनाया था तो उसको 24 सीटें मिली थी, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा कि टिहरी रियासत में वयस्क मताधिकार के आधार पर टिहरी विधानसभा के पहली बार चुनाव कब हुए, 12 अगस्त 1948 में, जिसमें प्रजामंडल को 24 सीटें मिली थी, वयस्क मताधिकार के आधार पर हुआ था, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन करते रहिए, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद याद रखिएगा जनदेश स्वैच्छिक संगठन, ये एनजीओ है, जनदेश स्वैच्छिक संगठन एनजीओ है, ठीक है। क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के किस विकास खंड में काम करता है, तो जनदेश स्वैच्छिक संगठन उत्तराखंड के जोशीमठ ब्लॉक में काम करता है, याद रखिएगा, ओनली जोशीमठ है, याद रखिएगा। तो जनदेश स्वैच्छिक संगठन जो यूएनओ है, ये उत्तराखंड के किस विकास खंड में काम करता है, तो जोशीमठ, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। अब आएगा उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की स्थापना, ठीक है, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की स्थापना बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नवंबर 2012 को उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई, याद रखिएगा, 1 नवंबर, और जनदेश स्वैच्छिक संगठन जोशीमठ ब्लॉक पे काम करता है, याद रखिएगा। उत्तराखंड में व्यक्तिगत सत्याग्रह की पहली बैठक, ये भी इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड में व्यक्तिगत सत्याग्रह, ठीक है, सत्याग्रह की पहली बैठक डांडामणि में हुई थी, लिखेगा, पहली बैठक कहां हुई थी, डांडामणि में, ठीक है, पौड़ी में पड़ता है, उत्तराखंड में व्यक्तिगत सत्याग्रह की पहली बैठक जो हुई थी डांडामणि में हुई थी, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है कि रेस्टोरेशन डे क्यों मनाया जाता है, उत्तराखंड में रेस्टोरेशन डे क्यों मनाया जाता है, ठीक है, तो उत्तराखंड में रेस्टोरेशन डे टिहरी राज्य की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, याद रखिएगा, टिहरी राज्य की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया था, और जब 28 दिसंबर 1815 को, ठीक है, सुदर्शन शाह ने इसको अपनी राजधानी बनाई थी टिहरी रियासत की, तो इसी उपलक्ष्य में 28 दिसंबर 1815 को याद करते हुए टिहरी राज्य की स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में टिहरी के जो लोग हैं, खासकर उत्तराखंड के, वो रेस्टोरेशन डे बनाते हैं, ठीक है, लिख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए बनाया जाता है 28 दिसंबर 1815 के उसमें, ठीक है, रेस्टोरेशन डे टिहरी राज्य स्थापना दिवस से जुड़ा हुआ है। अगला है मुलुक कुमाऊं किसकी पुस्तक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मुलुक कुमाऊं किसकी पुस्तक है, ठीक है, मुलुक कुमाऊं किसकी पुस्तक है, तो आंसर लिखिएगा कृष्ण पांडे की है मुलुक कुमाऊं, ठीक है, लिख लीजिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन है शेर सिंह बिष्ट इन्हें अनपढ़ कहा जाता है, ठीक है, अनपढ़ कहा जाता है,
इनकी कविता संग्रह है याद रखेगा, जिसका नाम है मेरी लटी पटी। इनकी कविता संग्रह है याद रखेगा मेरी लटी पटी, मेरी लटी पटी, समझ में ना। तो इनकी कविता संग्रह है मेरी लटी पटी। क्वेश्चन है कि इसका प्रकाशन कब हुआ, तो 1981 में हुआ, लिख लीजिएगा। ठीक है, से सिंह अनपढ़ की कविता है मेरी लटी पटी, और क्वेश्चन है कि इसका प्रकाशन कब हुआ, 1981 में। मुलुक कुमाऊ कृष्ण पांडे की पुस्तक है, दोनों ही जो है अल्मोड़ा जिले से संबंधित है याद रखेगा, दोनों व्यक्ति। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखेगा। देखिएगा, प्रथम कुमाऊनी फिल्म थी मेघा, प्रथम कुमाऊनी फिल्म थी मेघा आ, मेघा आ। क्वेश्चन है कि इसकी कहानी व गीत किसने लिखे थे, इसकी कहानी व गीत किसने लिखी थी, गीत किसने लिखी थी। ठीक है, क्वेश्चन मार्क है, पहली कुमाऊनी फिल्म मेघा आ के कहानी व गीत किसने लिखी थी, राजेंद्र वोरा, राजेंद्र वोरा, और इन्हें त्रिभुवन गिरी भी बोला जाता था, लिखेगा त्रिभुवन गिरी भी बोला जाता था, थोड़ा कॉमन है लेकिन डीप मैंने पढ़ा तो त्रिभुवन गिरी भी इनका नाम था, तो राजेंद्र वोरा मुख्यतः है इनका नाम। ठीक है, जो ज्यादातर पहचाना जाता है। तो कुमाऊं की फिल्म मेघा की कहानी व गीत इनके द्वारा लिखा गया था, लिखेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 1929 में एक नाटक था जिसका नाम था द्रौपदी स्वयंवर, द्रौपदी स्वयंवर, बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखेगा, स्वयंवर। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया, इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है, गोविंद वल्लभ पंत द्वारा, गोविंद वल्लभ पंत द्वारा। ये जो थे उत्तराखंड के पहले भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करता थे, 26 जनवरी 1957 को इनको भारत रत्न मिला है, और इस टाइम पे केंद्र में गृह मंत्री का पद धारण कर रखे थे। ठीक है, तो 1929 में इनकी एक बुक जो सॉरी इनका एक नाटक आता है जिसका नाम होता है द्रौपदी स्वयंवर, जो गोविंद वल्लभ पंत द्वारा लिखा जाता है। काफी इंपोर्टेंट है याद रखिएगा, सारा डाटा मैंने आपको इंपोर्टेंट बता रहा हूँ। ठीक है, फैक्ट आपको क्या पता पहुंचा दे आगे। शांति ही जीवन है, शांति ही जीवन है, वह संघर्ष के क्षण, वह संघर्ष के क्षण किसकी पुस्तक है। ठीक है, संघर्ष के क्षण दो पुस्तकें हैं इनकी, वैसे तो बहुत सारी है लेकिन मुख्यतः जो मैंने अपने उसमें लिखा कंटेंट पे, शांति ही जीवन है, संघर्ष के क्षण जो है ये शैलेश मटियानी की है, लिख लीजिएगा, शैलेश मटियानी। और शैलेश मटियानी जो है इनका मूल नाम रमेश चंद्र मटियानी है, ये पूछा भी गया है, रमेश चंद्र मटियानी। और ये हिंदी के जो 23 राइटर है वहां पे उल्लेखित है याद रखिएगा, पूछेगा इससे। ठीक है, संघर्ष के क्षण व शांति ही जीवन है इनकी जो है प्रमुख याद रखिएगा। ठीक है, कहानियां हैं, एक है मेंटल व उस्ताज, मेंटल व उस्ताज, उस्ताद है सॉरी, मेंटल व उस्ताज किसका कहानी संग्रह है, ये कहानी संग्रह है दोनों ही, ऊपर वाली भी कहानी संग्रह है इनकी, संघर्ष और शांति जीवन है, मेंटल और उस्ताज भी कहानी संग्रह है, तो ये है शेखर जोशी का, लिख लीजिएगा, शेखर जोशी का, समझ में ना। ये भी अल्मोड़ा से है और ये भी वो 23 राइटरों में से एक है जिनसे पूछा जा सकता है। तो मेंटल और उस्ताद जो है इनकी कहानी संग्रह है शेखर जोशी की, शांति ही जीवन है और संघर्ष के क्षण जो है शैलेश मटियानी का कहानी संग्रह है, जिनका मूल नाम क्या था, रमेश चंद्र मटियानी। समझ में आ रहा है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड विकास संगठन की स्थापना किसने की थी, उत्तराखंड विकास संगठन की स्थापना किसने की थी, काफी इंपोर्टेंट है, घनानंद पांडे, घनानंद पांडे। इसलिए भी इंपोर्टेंट है क्योंकि इन्हें 1969 में याद रखेगा पद्म विभूषण मिला है, पद्म विभूषण मिला है, समझ में ना। इसलिए भी इंपोर्टेंट पर्सनालिटी आपको नया मिला होगा लेकिन मैंने काफी सर्च किया, काफी टाइम लग जाता है। उत्तराखंड विकास संगठन का स्थापना घनानंद पांडे द्वारा किया गया है 1969, पद्म विभूषण इनको मिला था। हिमानी पाटलर का उद्देश्य क्या है, एक क्वेश्चन आ सकता है, देहरादून में ये कार्य करती है हिमानी पाटलर, पाटलर का उद्देश्य क्या है, जो महिला उद्यमशील होती है। ठीक है, महिला उद्यमशीलों को उनके व्यापार के लिए प्रोत्साहन करता है कौन, हिमानी पाटलर। ठीक है, ये एक इसका उद्देश्य है, इस पॉलिसी का उद्देश्य है हिमानी पाटलर का, कि जो महिला उद्यमी है उनपे व्यापार
के लिए क्या करना, प्रोत्साहन करना और उनका समर्थन करना, ठीक है, हिमालयी पाठलार करके, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। वे तो पता ही होगा आपको, उत्तराखंड वन विकास निगम का गठन, उत्तराखंड वन विकास निगम का गठन लिखेगा 1 अप्रैल 2001 को हुई थी, ठीक है, उत्तराखंड वन विकास निगम का गठन कंफर्म है, याद रखेगा 1 अप्रैल 1900। क्वेश्चन है किस चंद शासक ने ठीक है खटिया टोला डांडा में स्थित आलमनगर को अपनी राजधानी बनाई। इनडायरेक्ट पूछा जाए तो आलमनगर अल्मोड़ा का राज्य है, तो वो बालो कल्याण चंदी होगा, ठीक है, पूछने का थोड़ा क्राइटेरिया अलग है लेकिन बात वही है, सिर्फ एक हिंट समझ में आ गया कि आलमनगर, ठीक है। क्वेश्चन है कि किस सीमा की नदी की विवाद के लिए कुमाऊं और गढ़वाल के राजा लड़ते थे, ठीक है, किस नदी की सीमा विवाद के लिए कुमाऊं, शॉर्ट में लिख रहा हूं, व गढ़वाल के राजा लड़ते थे, तो पश्चिमी रामगंगा लिखेगा, पश्चिमी रामगंगा नदी की सीमा के लिए जो है कुमाऊं और गढ़वाल राजाओं का युद्ध होता था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछा भी गया है एक बार, किस नदी की सीमा विवाद के लिए कुमाऊं व गढ़वाल राजाओं के बीच युद्ध होता था, तो एक बार फिर से बता रहा हूं, पश्चिमी रामगंगा, क्योंकि चूंकि पूर्वी रामगंगा तो आपकी सरयू की ही सहायक है ना, उधर से निकलती है, ऊपर ग्लेशियरों से निकलती है, तो याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन आएगा उत्तराखंड में सबसे बड़ी प्राकृतिक झील, ठीक है, सबसे बड़ी प्राकृतिक झील, ये अलग अलग है याद रखिएगा, सबसे बड़ी नहीं, सबसे बड़ी प्राकृतिक झील पूछेगा तो यह है भीमताल की, उत्तराखंड में सबसे बड़ी प्राकृतिक झील लिखेगा भीमताल, और उत्तराखंड में सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय, उत्तराखंड में सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय तो यह है कालागढ़ में है, ठीक है, कालागढ़ बाद में ही बना हुआ है, कालागढ़ में लिखेगा। समझ में आना, बिल्कुल कंटिन्यू पढ़ा रहा हूं तो इसको मेंशन कर लेगा, काफी क्वेश्चन मुझे कवर करवाने हैं आपको अभी। सबसे बड़ी प्राकृतिक झील भीमताल और उत्तराखंड का सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय है कालागढ़, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है केदारनाथ का उल्लेख सर्वप्रथम एक तीर्थ के रूप में कहां मिलता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने डीडी शर्मा से निकाला है। केदारनाथ का सर्वप्रथम उल्लेख एक तीर्थ के रूप में कहां मिलता है, तो शिव पुराण, समझ में ना, शिव पुराण का एक संहिता है कोटि रुद्र संहिता में, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है आगामी एग्जामों में, क्योंकि केदारनाथ धाम से इंपॉर्टेंट है, तो केदारनाथ धाम का सर्वप्रथम उल्लेख एक तीर्थ के रूप में कहां मिलता है, तो शिव पुराण कोटि रुद्र संहिता में, याद रखिएगा, ठीक है, जहां पे इसका उल्लेख मिलता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया समझ में, ठीक है। कौन सा ताल थलैया सागर पर्वत श्रृंखला की छाया पर स्थित है, ठीक है, कौन सा ताल थलैया सागर पर्वत श्रृंखला की छाया पर है, तो यह है केदार ताल, याद रखिएगा, केदार ताल ये है आपका कहां पे, उत्तरकाशी में, याद रखिएगा, ठीक है, केदारनाथ रुद्रप्रयाग में है लेकिन केदार ताल उत्तरकाशी में है, और जो उत्तरकाशी में स्थित केदार ताल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये थलैया सागर पर्वत श्रृंखला की छाया पर स्थित है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। देखिएगा आपसे क्वेश्चन आएगा कि चांदपुर गढ़ी का पुराना नाम क्या था, चांदपुर
गढ़ी का पुराना नाम सिरगुल थात था, इसका पूरा नाम लिखेगा सिरगुल थात, सिरगुल थात इसका पुराना नाम था चांदपुर गढ़ी का, ठीक है। और चांदपुर गढ़ी में राज करने वाले राजा को अंबुवा कोट का राजा बोला जाता था, लिखेगा अंबुवा कोट का राजा, जो कोट का राजा, क्योंकि ठीक है जो चांदपुर गढ़ी में राज करता था पहले, जिस टाइम पे सिरगुल थात इसका नाम था, तो उस टाइम पे जो यहाँ पे राज करता था बताया जाता कि उन्हें अबुआ कोट का राजा भी कहा जाता। दो फैक्ट लिख लो, इसका पुराना नाम सिरगुल थात है और यहाँ पे शासन करने वाले राजाओं को अबुआ कोट का राजा कहा जाता था, ठीक है। ये क्वेश्चन बन सकता है, याद रखेगा, सारे आपको याद करने फैक्ट सीरीज दूसरा दे, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन है उत्तराखंड के किस एक भूमि मापन को, ठीक है, यूके शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, उत्तराखंड के किस एक भूमि मापन को, किस एक भूमि मापन को, भूमि मापन को बैकेट चयन, ठीक है, बैकेट चयन कहा जाता है, बैकेट विकेट नहीं, बैकेट चयन, बैकेट चयन कहा जाता है। तो यह है जरीब, याद रखेगा जरीब से इसने ही किया था, इसलिए जो जरीब उत्तराखंड में भूमि के लिए मापन बैकेट ने लिया था, तो इसे बैकेट चयन भी कहते हैं, ठीक है, जरीब को याद रखेगा। तीन धुरा एक है क्वेश्चन आ सकता है आपसे कि तीन धुरा में उत्तराखंड में कौन कौन से शामिल है, तो इसमें ऊटा धुरी, ऊटा धुरा, ठीक है, इसमें जयंती धुरा, जयंती धुरा और किंगरी बिंगरी, ये सारे दर्रे हैं किंगरी बिंगरी। तो आपका जो तीन धुरा है याद रखिएगा, इसमें ऊंटा धुरा, किंगरी बिंगरी और जयंती धुरा शामिल है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से तीन धुरा में कौन शामिल नहीं है, ऑप्शन ऊंटा धुरा, किंगरी बिंगरी, जयंती धुरा, ऑप्शन डी कुछ और आ सकता है, या ऐसे आ सकता है कि निम्नलिखित में से तीन धुरा में कौन शामिल है, ऊंटा धुरा, किंगरी बिंगरी, जयंती धुरा, इनमें से सभी। तो ऐसी स्थिति में इनमें से सही हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। देखिएगा नैनीताल में एक बहुत फेमस हॉस्पिटल है वर्तमान में, गवर्नमेंट है, बीडी पांडे हॉस्पिटल, ठीक है, जो वहां का जिला सरकारी बैंक है उसे, सॉरी बीडी पांडे हॉस्पिटल बोला जाता है, नैनीताल में है बीडी पांडे हॉस्पिटल। नैनीताल में स्थित बीडी पांडे हॉस्पिटल का प्राचीन नाम क्या था, वर्तमान तो बीडी पांडे है तो प्राचीन नाम लिखेगा कास्ट वेट अस्पताल, कास्ट, कास्ट वेट अस्पताल इन्होंने ही बनाया था अस्पताल, इसकी स्थापना 1896 में की गई थी, लिख लीजिएगा कास्ट वेस्ट अस्पताल, इसकी स्थापना 1896 में की गई थी। तो आपसे क्वेश्चन भी आ सकता कि बीडी पांडे हॉस्पिटल वर्तमान में किस जिले में है, नैनीताल, इसका प्राचीन नाम क्या है, कास्ट वेल्थ अस्पताल 1896 में, ठीक है। पांडुखाली तो आपको पता है अल्मोड़ा में स्थित है, ठीक है, पांडुखाली गुफा है जो आपका कहां पे स्थित है, अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा में, ठीक है, अल्मोड़ा में स्थित है, याद रखिएगा। देखिएगा गोरखा काल में सच झूठ का पता करने के लिए कौन सी प्रथा थी, सच झूठ का पता करने के लिए गोरखा काल में, ठीक है, गोरखा काल में कौन सी प्रथा थी, तो ये थी अग्नि परीक्षा, ठीक है, अग्नि परीक्षा के माध्यम से ये लोग सच झूठ का पर्दाफाश करते थे, ठीक है, अग्नि परीक्षा लिख लीजिएगा, दिव्य अग्नि परीक्षा इसे पूरा बोला जाता है, दिव्य अग्नि परीक्षा से क्या हो जाता था, गोरखा काल में सच झूठ का पता लगाया जाता था। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि गोरखा काल में जो है सच झूठ का पता किससे लगाया जाता था, दिव्य अग्नि प्रथा, कुछ और भी दे सकता, ठीक है, तो दिव्य अग्नि प्रथा के माध्यम से ये लोग गोरखा लोग सच झूठ का पता लगाते थे, ठीक है ना, सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। देखिएगा कुमाऊं के कवि है, कुमाऊं के कवि है जिनका नाम है गुमानी पंत, ठीक है, गुमानी पंत, इंपोर्टेंट है कि इन्होंने अपने कुछ छंदों में, ठीक है, इन्होंने अपने कुछ छंदों में कुमाऊं कमिश्नर लुसिंगटन की तारीफ की है, कुमाऊं कमिश्नर लुसिंगटन की तारीफ की है, याद रखिएगा, बहुत इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन आ सकता है कि कुमाऊं के किस कवि ने गुमानी पंत ने किस कुमाऊं कमिश्नर के अपने छंदों में तारीफ की है, तो लुसिंगटन की, ठीक है, तारीफ की है। अनिल प्रकाश जोशी का थोड़ा मैं अपडेट कर दूं आपको, ये पर्यावरणविद है अनिल प्रकाश जोशी, काफी हाइलाइटेड रहते हैं, ठीक है, अनिल प्रकाश जोशी का जिला पूछा जा सकता है कोटद्वार में, कोटद्वार यानी कि पौड़ी से संबंधित है ये, 1955 में इनका कोटद्वार में जन्म हुआ, ठीक है, 2006 में इन्हें पद्मश्री मिला, पद्मश्री
और 2006 में ही इन्हें जमुनालाल बजाज पुरस्कार मिला। लिखेगा जमुनालाल बजाज पुरस्कार 2006 में ही मिला और 2020 में इन्हें किन्हें अनिल प्रकाश ज्योति को पद्म भूषण पुरस्कार मिला है पर्यावरण क्षेत्र में। ठीक है, पद्म भूषण इनके अभियान उसके लिए। और 1999 जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार मिला है, 1999 JL नेहरू पुरस्कार मिला है, क्योंकि पर्यावरणविद है, इंपोर्टेंट है। एक बार फिर से बता रहा हूँ, ये वाला हटा देते हैं लुसिंगटन का। अनिल प्रकाश ज्योति जन्म 1955 का कोटद्वार, 2006 में इन्हें पद्मश्री मिला और 2006 में ही इन्हें जमुनालाल पुरस्कार मिला। अभी हाल ही में 2020 में इन्हें पद्म भूषण मिला और 1999 में इन्हें JL नेहरू पुरस्कार मिला है, याद रखेगा। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है, याद रखेगा सारा का सारा डाटा। अगला है नैन सिंह रावत पर्वतारोही संस्थान कहाँ है। ठीक है, नैन सिंह रावत पर्वतारोही संस्थान, यह है मुंशारी, एग्जैक्ट जिला पिथौरागढ़, और इसकी स्थापना हुई थी, लिखेगा 2014 में। ठीक है, नैन सिंह रावत पर्वतारोही जो संस्थान है वो मुंशारी में पिथौरागढ़, 2014 में स्टेबल है, याद रखेगा। क्वेश्चन आएगा महाराजा रणजीत सिंह पार्क, महाराणा रणजीत सिंह पार्क, रणजीत सिंह पार्क कहाँ स्थित है। देखिएगा, एक तो महाराणा स्पोर्ट्स कॉलेज है जो आपका कहाँ पे है, ठीक कल के दिन में आप भर्ती हो जाओगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे, तो ठीक उसके आगे आपका क्या पड़ेगा, UK SSSC ऑफिस पड़ेगा, उसके ठीक थोड़ा हल्का सा मतलब 200-300 मीटर पीछे आपका महाराणा प्रताप स्पोर्ट कॉलेज है। महाराणा प्रताप स्पोर्ट कॉलेज तो आपका देहरादून में है, लेकिन ये रणजीत सिंह है, महाराणा प्रताप नहीं है, तो महाराणा रणजीत सिंह पार्क आपका रुद्रपुर में है, याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, रुद्रपुर में है। अटरिया मेला भी रुद्रपुर में लगता है। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है, ये बहुत इंपोर्टेंट है। अनीता रावत व रक्षा पवार, अनीता रावत व रक्षा पवार का संबंध किससे है, बहुत खास नाम है। ये दोनों महिलाएं फुटबॉल से संबंधित हैं, क्योंकि फुटबॉल राज्य का राजकीय खेल है, याद रखेगा, इसलिए इंपोर्टेंट है। तो अनीता रावत व रक्षा पवार का संबंध किससे है, फुटबॉल से है, इंटरनेशनल फुटबॉल से है। ठीक है, ये दोनों जो है, याद रखेगा, उत्तराखंड के फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, इसलिए भी इंपोर्टेंट हो जाता है। महाराजा रणजीत सिंह पार्क जो है वो कहाँ है, रुद्रपुर में है। ठीक है, महाराजा पार्क एक आएगा, सिर्फ महाराजा पार्क, तो महाराजा पार्क आपका पिथौरागढ़ में है, याद रखिएगा। ठीक है, एक एक्ट है, लिख लीजिएगा पूरा, उत्तराखंड बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड पर्वती भूमि, पर्वती भूमि जोत, पर्वती भूमि जोत सुधार एवं व्यवस्था विधेयक, सुधार एवं व्यवस्था विधेयक, व्यवस्था विधेयक पूरा है, याद रखेगा, विधेयक 2015 में इसे लाए थे। ठीक है, एक बार फिर से बता रहा हूं, उत्तराखंड पर्वती भूमि जोत सुधार एवं व्यवस्था विधेयक के पूरा चकबंदी से संबंधित है, चकबंदी अधिकारी है ना, उसमें जो वीडियो वीडियो में उसमें ये लोग भी इसी के तहत काम करेंगे, अभी ये आने वाला है। तो क्वेश्चन है कि उत्तराखंड पर्वती भूमि जोत सुधार एवं व्यवस्था विधेयक 2015 में आया था, तो ये राज्य विधान परिषद विधानसभा में कब पास हुआ, तो लिखेगा 22 जुलाई 2016, समझ में ना, विधेयक बनाया 2015 में और इसे विधानसभा द्वारा जो पास किया गया वो 22 जुलाई 2016। एक बार फिर से इंपोर्टेंट है, उत्तराखंड पर्वती भूमि जोत सुधार एवं व्यवस्था विधेयक 2015 का है और हमारी विधानसभा ने इसे 22 जुलाई 2016 को लागू किया, जो चकबंदी अधिकारी है इसी के तहत जो है, खासा डेटा और इनका काम जो है इसी एक्ट के तहत ज्यादा है। ठीक है, पता है, ऐसा जा रहा है। ठीक है, ये काफी इंपोर्टेंट है, याद रखेगा, ये भी बहुत इंपोर्टेंट है। उत्तराखंड में घसियारी प्रतियोगिता की शुरुआत किसने की, अभी हाल में ही इनका निधन हो गया है, तो इंपोर्टेंट है। उत्तराखंड में घसियारी प्रतियोगिता ताकि शुरुआत किसने की थी, त्रिपन सिंह चौहान, लिखेगा त्रिपन सिंह चौहान। ठीक है, इनके कुछ पुस्तकें उपन्यास भी है, लिखेगा यमुना, हे बुआरी, इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, निधन हुआ है भैया, भांग की फांस
मुझे तो इम्पोर्टेंट है एक बार ही लग रहा है, आप देख लेना ठीक है। तो अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है, त्रिपन सिंह चौहान का। तो इन्होंने उत्तराखंड घसियारी प्रतियोगिता की शुरुआत की थी और देन इनके तीन उपन्यास है जिनका नाम है यमुना, हेबारी और भांग की फास। तो इम्पोर्टेंट हो जाता तो याद कर लेना, कोई टेंशन नहीं है ना। देखिएगा बनकवास, बनकवंश बालकृष्ण शास्त्री द्वारा लिखी गई है, बालकृष्ण शास्त्री द्वारा लिखी गई है बनकवंश, ठीक है याद रखिएगा। दूसरा है वेद माता है, यह हरी राम धसमाना की। अब ये दोनों पुस्तकें क्यों लिखा रहा हूं, क्योंकि ये दोनों पुस्तकें गढ़वाली भाषा से संबंधित है, लिख लीजिएगा। बनकवंश व वेदमाला जो है, बनकवंश बालकृष्ण शास्त्री की और वेदमाला हरी राम धसमाना की, ये दोनों बुकें आपकी किससे संबंधित है, गढ़वाली भाषा से संबंधित है, समझ ना, गढ़वाली भाषा से संबंधित है, याद रखिएगा। मैं आपको दो समिति लिख रहा हूं, ग्रामीण तकनीकी समिति लिखेगा, ग्रामीण तकनीकी समिति जह कोर्ट द्वार में आम सोड़ कोर्ट द्वार। जिस बच्चे को पता नहीं है कोर्ट द्वार कहाँ है, तो यह है पौड़ी में और यह गढ़वाल का प्रवेश द्वार है, ठीक है। दूसरा है ग्रामीण व कृषि विकास समिति। ये तो 5-6 बार पूछा गया है डेट सही, ठीक है। ग्रामीण व कृषि विकास समिति 25 मार्च 1995 को इसकी स्थापना हुई है, 25 मार्च 1995 को स्थापना हुई है, यह है हल्द्वानी में, यह है हल्द्वानी में। तो इंपोर्टेंट क्या है, ग्रामीण तकनीकी समिति, ठीक है, यह है आपका आमसौड़ कोटद्वार में, और ग्रामीण व कृषि विकास समिति ये 25 मार्च 1995 की है, यह है हल्द्वानी में, याद रखेगा। एक सस्ता है पहाड़, ठीक है, एक पहाड़ सस्ता है, इसके द्वारा अस्कोट व आराकोट, याद रखेगा, अस्कोट व आराकोट नामक यात्रा की जो है संचालन किया जाता है। ये यात्रा अस्कोट व आराकोट यात्रा 1100 किलोमीटर पैदल होती है। इसकी शुरुआत जो है 1974 से हुई थी, 1974, 1984, 1994 और मुझे लास्ट 2004 का अपडेट है। तो अभी तक ये 4 यात्राएं करा चुकी है पहाड़ सस्ता, और पहाड़ जो पत्रिका निकाली है वो शेखर जोशी द्वारा निकल दी गई है, समझ में ना, शेखर जोशी द्वारा, याद रखेगा, ठीक है। तो इनके द्वारा की गई है, ये इनका संचालन करते हैं अस्कोट व आराकोट यात्रा का। तो इस पहाड़ सस्ता द्वारा 1974, 1984, 1994 और 2004 में जो है 1100 किलोमीटर का ट्रैक है, इसका संचालन किया जाता है वर्तमान में। देख लेना यार, मैं इतना टाइम मिला नहीं कि मैं देख लूं करके, ठीक, देख लीजिए जो लास्ट अपडेट मुझे यहां तक का मिला। देखिएगा एक स्वयं सिद्धा है, स्वयं सिद्धा ये भी एनजीओ है, याद रखिएगा, ये मुख्यतः महिला सशक्तिकरण व बाल विकास पे काम करता है, लिख लीजिएगा, महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट व बाल विकास पे काम करता है, ठीक है, वह बाल विकास पे काम करता है, कौन, स्वयं सिद्धा एनजीओ, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हो गया, ठीक है। एक इंस्टीट्यूट लिखेगा, आज का इंस्टीट्यूट, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन, इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरमेंटल रिसर्च एंड एजुकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1981 में इसकी स्थापना अल्मोड़ा में हुई है, अल्मोड़ा में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं याद रखेगा, इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरमेंटल रिसर्च एंड एजुकेशन कहाँ है, अल्मोड़ा में, स्थापना 1981 में। देखिएगा चंपावत को एक तहसील के रूप में दर्जा कब मिला, ये मैंने अपनी बुक में भी दिया है और क्लर्क में आया भी था, चंपावत को एक तहसील के रूप में दर्जा, ठीक है, तो ये मिला था 13 मई 1972 को, चंपावत को एक तहसील के रूप में दर्जा मिला था, लिख लीजिएगा, ठीक है। और आखिरी क्वेश्चन है कि 4 जुलाई 1939 में फूलों की घाटी में किसका पैर फिसलने से मृत्यु हो गई, तो यहां बार बार बता चुका हूं, जॉन मार्गरेट लेगी,
जॉन मार्गरेट लेवी, ठीक है, जॉन मार्गरेट लेवी की मृत्यु हुई थी, लेगी सॉरी लेवी नहीं लेगी। तो एक बार फिर से रिपीट करवा दे रहा हूं, इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरमेंटल रिसर्च एंड एजुकेशन 1981 में अल्मोड़ा में, चंपात को एक तहसील के रूप में दर्जा 13 मई 1972, 4 जुलाई 1939 को फूलों की घाटी में जॉन मार्गरेट लेगी की पैर फिसलने से मृत्यु होगी और इनकी यहीं पे कब्रगाह है, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि फूलों की घाटी में किसकी कब्रगाह है, तो जॉन मार्गरेट लेगी, और कब मरी थी, 4 जुलाई 1939 में। तो बिना सांस लिए कह सकते हो मैंने आपको पूरा करवा दिया है, तो बिल्कुल जो पार्ट ये चल रहे हैं तो यार इनको सीरियसली करेगा आप, मैं कुछ नहीं कहूंगा, ठीक है, आप खुद ही देख लीजिएगा कि कितनी मेहनत है। ये सारा डीडी शर्मा जितनी भी आपकी ओवरऑल किताब है, सारा टटोल के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो फैक्ट सीरीज इसलिए भी कह रहा हूँ कि आपका दिन बना सकती है, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, आपको सिलेक्शन दिलवा सकते हैं, इसलिए मैं फैक्ट सीरीज पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी मेहनत लगती है यार फैक्ट सीरीज पे। सीधी बात है, अगर मैं किसी पे सबसे ज्यादा फोकस करता हूँ तो वो फैक्ट सीरीज पे करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि सबसे यूनिक फैक्ट सीरीज हो मेरी, वही मतलब रटन टू विद्या ये वो सो इस पे नहीं, एक ऐसी फैक्ट सीरीज हो जो मैं रिसर्च करूँ और आपको दूँ, ठीक है। बुक का नया लॉट जल्दी आने वाला है, उस पर कुछ करेक्शन थे तो वो मैंने कर दिए हैं, ज्यादा नहीं है, कुछ है वो अलग अलग चीजों में अलग अलग है, एक दो प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो उसमें मैंने अपने यूट्यूब का भी मेंशन कर दिया है, नंबर भी मेंशन कर दिया उसके रैपर में, तो जल्दी ही मार्केट में वो भी आ जाएगा, तो उससे प्रैक्टिस करना बहुत ही फायदेमंद है। पिछली बार कलर को और वीडियो विपीडियो को बहुत फायदा हो चुका है उस बुक से, ठीक है, आपको भी आगे होगा। अभी रुको, कुछ दिनों बाद मैं बताऊंगा जब मार्केट में आ जाएगा, उसके बाद आप थोड़ा प्रचार कर देना। प्रचार क्या करना, आपके आसपास में जो है सारा जो एरर है, कुछ बहुत 5-6 एरर जो है वो मैं हटा दूंगा और स्पष्टीकरण दे दूंगा वहां पे, उसके बाद मैं बोलूंगा, इसलिए मैं आपसे बोल नहीं रहा हूँ, ठीक है। बाकी ले लो, कोई टेंशन नहीं है, आप लोग तो ले लो, मेरे से जुड़े हो, मैं आपको एरर बता दूंगा कि कौन से हैं, आराम से करो, ठीक है। बाकी बुक में बहुत सारे पॉजिटिव हमें वो आ रहा है कि सर काफी अच्छी मेहनत से बनाई है, थोड़ा यार हो तो जाता ही है, अब ऐसे ही मेहनत से बनाई थी मैंने बुक, हर एक चीज को रिसर्च करते हुए आपको पढ़ाई है। उम्मीद करता हूँ कि फैक्ट सीरीज आपको काफी पसंद आएगी, क्योंकि ये मेरी अंदर से की गई मेहनत है यार, अंदर से मतलब दिल की आत्मा जानती है कि कितनी मेहनत की है मैंने इस फैक्ट सीरीज को बनाने में, और मैं जानता हूँ अभी वही मेरा इसके बाद वो करना, अपलोड करना, ये करना, पूरा ही रात ले जाती है ये सारी चीजें, ठीक है। तो फिर भी कोई नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाए किसी भी हाल में। सबसे बड़ी बात बताऊँ, मैंने अपने एडसेंस बंद कर रखे हैं, मैं ऐड आते ही नहीं मेरे यूट्यूब में, आपने देखा होगा, मैंने एडसेंस ही बंद कर रखे, मैंने कहा कोई लालच नहीं, क्योंकि सीधा बच्चा जो है मेरे से इस बेस में जुड़े कि सिलेक्शन लेना है तो उस चैनल पे जाओ, वरना मत जाओ, इस बेस पे चला हूं मैं। हिंदी को लेके नए बैच को लेके काफी अप्रिसिएट आ रहा है बच्चों का कि सर बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, तो बेहिचक पढ़ो यार, बिना पैसे के पढ़ो, सही में मजाक नहीं कर रहा हूं, और वो भी अंदर से पढ़ाया है सारा टॉपिक मैंने, बिना पैसे के पढ़ो, अंदर से पढ़ो, और मेरी तो उम्मीद यही है, भगवान से यही दुआ है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, जितना मैंने पढ़ा रखा है शायद अगर आप समझ जाते हो उसके बाद प्रैक्टिस करते हो तो इनफ है कंटेंट आपका डेवलप करने में, क्योंकि मैंने अपनी जितनी भी वीडियो है, मोस्ट ऑफ आजकल फैक्ट दे रहा हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ जितनी भी कल की वीडियो थी मैंने अपने कंटेंट बिल्डअप किया, मैंने कहा था कि आप लोग आज जो है प्रैक्टिस करना, समझ में नहीं आएगा तो मुझे व्हाट्सअप करना, जो भी करना आप कर लेना, ठीक है, तो जरूर करना यार, 100% करना, मैं आपके लिए मेहनत करूंगा, हो सकता है कि हफ्ते में 3-4 दिन आऊँ, इसका मतलब ये नहीं सोचना कि रेगुलर नहीं हूँ, क्योंकि मेरा भी काम होता है, मुझे भी अपनी मेंस की तैयारी करनी है, मैं भी सुबह कोचिंग जाता हूँ, और थोड़ा मैं क्या है कि इधर उधर भी मुझे जाना पड़ता है फील्ड के लेके, तो हमारे पंचायत की जॉब भी ऐसी है कि बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, एक बार कोई पंचायत मंत्री एक बार तुम्हारे बैच से बन के दिखाए और वो करके दिखा दे, ऐसा उसकी श्यामत नहीं आ जाएगी, देख लेना खुद ही, वो तो मैं घर ही हूँ, तो मैं वाइफ हो गई और हो गया, तो हम लोग जो है ऑफिस के काम मिल के कर लेते हैं, तो थोड़ा मेरी आसानी हो जाती है, तो उसको सारा काम मैंने सिखा दिया है, तो वो सारा काम कर लेती है, इसलिए थोड़ा फ्री हो जाता है, और अपना भी कर रही है जो भी है, लेकिन मोस्ट ऑफ मेरा ऑफिस का काम कर लेती है वो, एक बहुत बड़ी हेडक मेरी समाप्त हो जाती है ना, तो एक स्मार्ट वर्क है, मेरे से तो ज़्यादा स्मार्ट वर्क उसका है, क्योंकि अब मैं बता नहीं सकता, बयां नहीं कर सकता, पर बहुत स्मार्ट वर्क है, मुझे ज़्यादा लोड नहीं आने देती है, तो फोकस करती है कि बच्चों के लिए ज़्यादा करो, ठीक है, यहाँ का काम मैं सिखा दूंगा, तो मैंने उसको सारा सिखा दिया है, तो सारा वो कर लेती है, तो मैं इसलिए आप पे ज़्यादा फोकस कर पाता हूँ, है ना। तो बाकी देखिएगा आगे हमने मिलके ही करना है, आपने और मैंने, जो आप कहोगे वो मैं लेके आऊँगा, ठीक है। तो कल मेरे थोड़ा फील्ड में जाना है, तो हो सकता है कि कल परसों थोड़ा ऑफ रहें, क्योंकि 2-3 दिन मेरा भी काम है,
तो ठीक है, अगर नहीं आ गया फील्ड से जल्दी तो मैं क्लास ले लूंगा, नो टेंशन, जहां तक पूरी कोशिश करूंगा कि क्लास लूँ, ठीक है, मोस्ट ऑफ कंडीशन है कि क्लास लूंगा। तो बाकी शुभरात्रि, उम्मीद करता हूँ कि फैक्ट सीरीज पसंद आए, तो जरूर नीचे लिख दीजिएगा कि यार सर पसंद आई, ये लिखने में क्या जा रहा है आपका, पैसा जा रहा है क्या, पैसा ले रहा हो क्या, बताओ, कोई पैसा ले रहा हो या कुछ कर रहा हो, इतनी मेहनत कर रहा हो यार, आपको बता कि कंटेंट कहाँ से मिला, ये सारा कंटेंट आपने अभी तक बहुत कम देखा होगा किसी से भी, क्योंकि रिसर्च करके मिलता है, ठीक है। तो चलेगा, शुभरात्रि, कंटेंट्स पसंद आए तो लिख लीजिएगा, जी सर पसंद आया, इससे मुझे थोड़ा क्या होता है पॉजिटिव एनर्जी आती है, ठीक है, लिखना ना भूले अगर पसंद आ रहा, तो चलेगा शुभरात्रि, कल मिलते हैं हम लोग, ठीक है, चलो।